नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत से एक दुखद मामला सामने आया है। एक पिता चाहता था कि उसका बेटा विदेश जाए और पढ़ लिख कर वहां पर कामयाब हो, वहां पर नौकरी करे और पैसा कमाए, और बेटा भी यही चाहता था कि वो विदेश जाकर पैसा कमाए और अपने पिता और अपना सपना पूरा कर सके। नाम था उसका राहुल और वो 23 साल की उम्र में था। और ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि एजेंट ने, करनाल के एक एजेंट ने 5 लाख रुपए उससे ले लिए, लेकिन उसका ना तो वीज़ा दिया गया और ना ही उसे पैसे वापस लौटाए गए। 5 लाख रुपए डूब जाने के बाद युवक काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से परेशान था, तो ऐसे में कल उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता का कहना है कि इस तरह से ये जो मामला सामने आया है, उनका बेटा इस तरह से चला गया है। उन्होंने साथ ही अपील की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से उन्होंने पैसे कमाए थे और बेटे ने ये सारे पैसे लोन पर लेकर एजेंट को दिए थे और वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन एजेंट ने उन्हें ना तो वीज़ा दिया और ना ही पैसे वापस दिए, और बीच में एजेंट ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनका बेटा राहुल, जो कि 23 साल का था, वो काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उसका इलाज भी करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में मानसिक रूप से परेशान होकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। एक बार आपको पूरी खबर दिखाते हैं, पिता की भी बात सुनवाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। पानीपत जिले के बापोली कस्बे के रहने वाले एक युवक ने विदेश जाने की चाहत में आत्महत्या कर ली। दरअसल युवक ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, जिससे करनाल के रहने वाले एक एजेंट ने 5 लाख रुपए ले लिए थे, लेकिन ना ही उसका वीज़ा लगा और ना ही रुपए वापस दिए गए, जिससे मानसिक परेशान होकर युवक ने फांसी का फंदा लगा लिया। युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने करनाल निवासी आरोपी के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। गढ़ी नवाब से हूँ, जिला पानीपत, थाना बापोली। हम यहाँ पे एकता बिहार में काम करते हैं, हमारा ई कॉमर्स का काम है। घटना यह थी कि जी, एक साल पहले मैंने अपने लड़के का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल अप्लाई करी थी, कुलदीप शर्मा करसा करनाल से। तो उन्हें कुछ महीने बाद उन्होंने रिफ्यूज़ल आना दी, तो वो बोले कि रिफ्यूज़ल आ गई है, एक रिफ्यूज़ल, तो ना उसका कोई प्रमाण दिया। और 10,000 तो ऑनलाइन ले लिए थे पेमेंट, उन्होंने 4.5 लाख रुपए बार बार करके लेता रहा वो। उसके बाद उसने बोला कि न्यूजीलैंड की लगा देता हूँ मैं फाइल। उसके बाद न्यूजीलैंड की भी वो बोला बना नहीं काम, तो उसके बाद बोला वो मैं कनाडा का कर देता हूँ, तो कनाडा का भी नहीं हुआ। अब उसने ना पैसे दे रहा वो और लोन के पैसे दे, तो लड़के के मान लो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मानसिक तौर पर बहुत बीमार हो गया वो, क्योंकि वो स्विच ऑफ रखता है, एजेंट है जो ये कुलदीप है कर्से का। इसलिए बटला से पहले मैंने यहाँ रजत सेतिया से दवाई कराई है इसकी, लड़के की, तो आराम नहीं हुआ। फिर मैं उसके बाद मैं करनाल गया बटला से, वहाँ से दवाइयाँ चल रही हैं अब भी दिमाग की, तो बहुत प्रेशर बन गया पैसे की वजह से। इस वजह से वो रोज़ टाइम दे देता था, कभी सोमवार, कभी 12 तारीख, कभी 4 तारीख, कभी 1 तारीख। इस तरह से लड़का भी बहुत परेशान हो गया। लड़के ने अपनी फर्म पे लोन लिया हुआ था, इस वजह से इसने तंग आकर उसकी वजह से ये कदम उठाया। कितनी उम्र थी भाई की? उम्र 23 साल है जी। क्या नाम था? राहुल नाम है। जो एजेंट था वो कैसे कॉन्टैक्ट में आया था? वो एक रिश्तेदार की वजह से कॉन्टैक्ट में आ गया था हमारे, तो हमें उसकी बातों से थोड़ा वो लगा कि इंटरेस्टेड है बंदा। तो एजेंट से आपने फिर दोबारा बात करी, पैसे देने बाद? बहुत बार करी, रिकॉर्डिंग भी है उसकी एक दो, और हमारे पास वो है ट्रांजैक्शन भी है, जो शुरू में ट्रांजैक्शन कराई थी और उसके बाद कैश में पेमेंट लेके गया हुआ। तो प्रशासन से क्या अपील करना? प्रशासन से मैं यही अपील करूँगा कि ये जो कबूतरबाज एजेंट हैं, इनको शिकंजा कस दिया जाए और हमें पूरा न्याय चाहिए प्रशासन से। जो भी है कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई भी लड़का की ज़िंदगी ख़राब ना हो, किसी भी लड़के की, किसी की घर परिवार का दिया ना बुझे। मैं यही चाहूँगा प्रशासन से, बिल्कुल सख्त कार्रवाई करवाना चाहता हूँ मैं। चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में राजकुमार ने बताया है कि वो गढ़ी
भलोर के रहने वाले हैं, बापोली का रहने वाला है और तीन बच्चों का पिता है जिसमें दो बेटे व एक बेटी है। उसका बड़ा बेटा राहुल 23 साल का था जो कि 12वीं पास था। करीब एक साल पहले राहुल को विदेश भेजने के लिए कागज तैयार करवाए थे, किसी कारण राहुल का ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं लग पाया था। फाइल रिफ्यूज होने के कारण राहुल मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा। इसके बाद राहुल को करनाल के गांव कारसा का रहने वाला एजेंट कुलदीप शर्मा नीलोखेड़ू से मिला। ऐसी जैसे कि कई जगह सुनते हैं हम, ऐसा किसी के साथ ना हो जो बच्चे माता पिता से ये कहते हैं कि हमें बाहर जाना है बाहर जाना है, लेकिन एजेंट उनको फंसा लेते हैं, एजेंट फंसा कर और बच्चे फिर माइंड से होते हैं क्योंकि पैसे माँ बाप पैसे कोई कुछ बेचता कोई कुछ बेचता है, बेचने के कारण ही अपना फिर पैसे नहीं होते, पैसे कराए फिर वो एजेंट मार के बाद जाते हैं, मार के बाद जाए फिर उसके पास फ़ोन करते रहें तो फ़ोन नहीं उठाता, इसलिए माँ बाप भी परेशान बच्चा परेशान, परेशानी के कारण ये काम होता है। मैं तो ये कहता हूँ तो इसको कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सबके साथ ही करनी चाहिए। तो कानून को कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कि फ्रॉड एजेंट खत्म हो। बिल्कुल करना चाहिए, आज इनके साथ होया कल उनके साथ होया, ये तो रोज का काम हो गया है, ये तो बार बार हो रहा है। पैसे वो तो अपना पैसे ले लेते हैं, पैसे लेके अपने पास रख लेते हैं, बच्चे परेशान हो माँ बाप परेशान हो उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये बच्चे परेशान रहो माँ बाप भी परेशान रहो है, कोई अपना कर्जा उठा रहा है कोई कुछ कर रहा है पैसे भर रहा है, ये कहाँ से भरेगा, इतना काम है नहीं मार्केट में, अगर भाई अपना पैसे ले कहीं से कुछ करे कुछ बता क्या काम करेंगे, बच्चे तो गलत कदम उठाएंगे, माता पिता ने भी उठाना पड़ जाएगा, इन्हें ले दो। कुलदीप ने पेपर तैयार करने के नाम पर उस समय 50,000 रुपए लिए थे और उसे कहा था कि पेपर तैयार होने के बाद उसे 4.5 लाख रुपए देकर जाना होगा। कुछ समय बाद कुलदीप पानीपत आया और राहुल से पैसे लेकर चला गया था। इसके बाद कुलदीप से वीजा का स्टेटस पूछा तो उसने कहा कि फाइल रिफ्यूज हो गई है। राहुल ने उससे रिफ्यूज लेटर मांगा तो उसने लेटर नहीं दिया। इसके बाद उसे मिलने उसके घर गए तो उसने कहा कि 6 महीने रुक जाओ, वो फिर से वीजा लगवा देगा, वीजा ना लगने पर वो पैसे लौटा देगा। बाद में राहुल ने उससे पैसे मांगे तो उसने फिर रुकने को कहा। इसके बाद से उसने फोन उठाने बंद कर दिए जिससे राहुल मानसिक परेशान रहने लगा और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ये मामला है पानीपत जिले के बापोली कस्बे का, जहां के रहने वाले राहुल ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। एजेंट द्वारा उससे 5 लाख रुपए ले लिए गए लेकिन ना तो उसे वीजा दिया गया और ना ही उसे बाकी पैसे लौटाए गए। तो ऐसे में उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। पिता का कहना है कि ऐसे कबूतरबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए ताकि और ऐसे युवक जो विदेश जाने की चाह रखते हैं उनके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो सके, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और ऐसे में वो चाहते हैं कि ऐसों के ऊपर खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि करनाल का एजेंट था जिसने उन्हें पैसे ले लिए लेकिन वीजा नहीं दिया है। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। नमस्कार।